हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। वो न्यूमेरिकल जो आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले किन किन स्टेप्स को देखना होता है, किन किन स्टेप्स को कैलकुलेट करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, वेल्डिंग पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे दो ही टाइप के पूछे जाते हैं। पहला, या तो वो फिलेट वेल्ड से होगा या तो वो कनेक्शन आपका बट वेल्ड से होगा। ठीक है, फिलेट वेल्ड से होगा या फिर बट वेल्ड से होगा। दोनों को सॉल्व करने के लिए हमसे वेल्डिंग के केस में जनरली पूछा जाता है कि आप निकालिए यहाँ से स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हमसे पूछा है, जो कि होता है पी इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू में इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वेल्ड का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर एल इफेक्टिव तो क्वेश्चन में दे दी रहती है, नहीं रहती है, तो इसमें से एफ यू जो होता है ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया होता है, नहीं तो आप ये वैल्यू आप एज्यूम कर लेते हैं 108 या फिर 110 एमपीएम में। ठीक है, डब्ल्यूएसएम से अगर आप इसको डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है थ्रोट थिकनेस। एल इफेक्टिव अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है तो कैलकुलेट नहीं करना है, और नहीं दिया हो तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेनली जो हमारा यहाँ पर पर्पस होता है थ्रोट थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। तो वो थ्रोट थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब अगर या तो कनेक्शन फिलेट वेल्ड में होगा या तो कनेक्शन होगा बट वेल्ड में। तो फिलेट वेल्ड में जब थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करना होगा तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि देखिए, थ्रोट थिकनेस होता है के इंटू एस, जहाँ के एक फैक्टर है, ये फैक्टर एंगल ऑफ फ्यूजन पर डिपेंड करता है, और एस होता है साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि थ्रोट थिकनेस की वैल्यू के इंटू एस कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, के यहाँ पर है एक फैक्टर है जो कि फ्यूजन एंगल पर डिपेंड करता है। फ्यूजन एंगल क्या होता है कि अगर दो प्लेट को अगर हमने जोड़ा हुआ है, दो प्लेट को वेल्ड के हेल्प से जोड़ा हुआ है, तो इन प्लेट के बीच में, इस प्लेट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इस प्लेट कितना डिग्री पर इसको रखना है, तो यहाँ से यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है फ्यूजन फेस इसको कहते हैं, और इसके बीच में जितना एंगल है, दो प्लेट के बीच में जो एंगल बनेगा वो फ्यूजन एंगल कहलाता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी के की वैल्यू कितनी होगी। जनरली हम इसको जब सॉल्व किए थे तो आया था थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री को हमने इस पर सॉल्व किया था इंटू में ऐसा आया था साइज ऑफ वेल्ड के लिए। तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये वेरी करता है यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर आपको वेरी करता है। तो 60 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल होगा तो के की वैल्यू 0.7 एज्यूम करना है, और 91 से 100 के बीच में होगा तो 0.65, 101 से अगर 106 तक तो 0.60। ठीक है, इसी तरह से आपके वैल्यू 0.5 तक एज्यूम करना है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूजन एंगल पर बेस्ड ये के की वैल्यू हो जाएगा। तो के आप यहाँ से यूज कर सकते हैं टेबल से। जनरली यही वैल्यू पूछा जाता है 60 से 90 के बीच में वैल्यू पूछा जाता है, तो के इज इक्वल टू 0.7 जनरल यूज में आ जाता है। एस जो है, एस यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड होता है। साइज ऑफ वेल्ड होगा ये दो चीज़ों पर आता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पर। अब देखिए, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट क्या है, अगर जैसे कि अगर दो प्लेट को जोड़ा गया, जैसे एक प्लेट ये है जिसका थिकनेस आ गया आपको 16 mm मानते हैं, दूसरे प्लेट को जोड़ा गया है जिसकी थिकनेस है 14 mm। ठीक है, दो प्लेट को आपस में जोड़ा गया है वेल्डिंग के हेल्प से, वेल्डिंग यहाँ पर किया गया अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो इसमें से थिकनेस कहा जाएगा थिकर प्लेट का, बताइए। तो थिकर प्लेट हो जाएगा 16 mm, मतलब वह प्लेट जिसकी थिकनेस ज़्यादा है थिकर कहलाता है, और थिनर कहलाता है वह प्लेट जिसकी थिकनेस कम है। तो 14 mm हो जाएगा आपका कौन सा, थिनर प्लेट का। तो जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे, कि जितना थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट होगा, जितना भी थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट होगा, तो यहाँ पर कुछ हमने टेबल बना रखा है, आप वो टेबल यहाँ से देख सकते हैं। थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट अगर 10 mm तक होता है तो मिनिमम साइज जो होगा वेल्ड का वो 3 mm का होगा। 11 से 20 mm तक क्या होगा, तो वो 5 mm का हो, 5 mm हमें यूज करना है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। 21 से 30 तक तो 6 mm, और 31 से 50 तक अगर आएगा थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट तो हो जाएगा 8 mm। इस केस में हमारे पास थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कितना है, 16 mm का है। तो 16 mm है, तो इस टेबल से देख करके आप खुद ही बता सकते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 16 है, यानी कि 11 से 20 के अंदर में वो लाई करेगा। तो मतलब मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इसके लिए कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए। अब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड करता है ये, तो मैक्सिमम साइज ऑफ जो वेल्ड होगा ये डिपेंड करता है कि आपका एज कौन सा है, राउंड एज है कि स्क्वायर एज है। अब देखिए, राउंड एज और स्क्वायर एज का मतलब क्या हुआ, कि एक गसेट प्लेट से
एक गसेट प्लेट से हमने एक एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया, ठीक है, एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया। तो ये जो एज होगा यहाँ पर, इसको कहते हैं राउंड एज, सॉरी इसको कहेंगे स्क्वायर एज, ठीक है, इसको कहेंगे स्क्वायर एज और इसको कहेंगे राउंड एज, इसको कहेंगे राउंड एज, ठीक है, ये स्क्वायर एज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राउंड एज। तो स्क्वायर एज के केस में मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, देखिए इस केस में हमारा पास में कौन सा एज है, तो स्क्वायर एज है, राउंड एज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी राउंड एज नहीं है, स्क्वायर एज है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर स्क्वायर एज का फॉर्मूला लागू होगा। वो स्क्वायर एज का मतलब कि जो आपका मैक्सिमम मिनिमम साइज है प्लेट का, जैसे 14 mm यहाँ पर मिनिमम है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट का हो जाएगा 14 - 1.5, यानी 1.5 इसमें से घटा देते हैं, यानी कि जितना थिकनेस आप यहाँ पर किए होंगे प्लेट्स में से, प्लेट के साइज में से, उसको हम लोग 1.5 mm घटा देते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फील्ड हो जाता है कितना, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 किसके लिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर एज के लिए, हो जाएगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस में 1.5। और राउंड एज के लिए जो होगा, राउंड एज के लिए 3/4 times हो जाता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतना ये बात समझ में आई होगी कि फिलेट वेल्ड का केस जब होगा, तो वहाँ पर थ्रोट थिकनेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, के इंटू एस, के डिपेंड करेगा फ्यूजन एंगल पर, और एस जो होगा मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम निकालेंगे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पर, जो थिकर प्लेट पर डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जितना भी प्लेट का थिकनेस होगा उसमें से हम क्या करेंगे 1.5 घटा देंगे। अगर राउंड एज है, अगर स्क्वायर एज है, तो 3/4 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं बट वेल्ड के बारे में। तो बट वेल्ड अगर होगा तब क्या करेंगे, तो बट वेल्ड के केस में, बट वेल्ड का जब केस होगा तब उस केस में हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें डिपेंड करेगी हमारा कंप्लीट पेनेट्रेशन है कि इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है। बट वेल्ड के केस में थ्रोट थिकनेस जब निकालना होगा तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पहला कंप्लीट पेनेट्रेशन है और दूसरा कि इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कब कंप्लीट पेनेट्रेशन है कब इनकम्प्लीट है, तो देखिए जब हमने वेल्ड के टाइप्स में बताए थे तो वहाँ पर इसके हम साइज बताए थे, ठीक है, हमने उसका साइज बताया था कि अगर आपको दो प्लेट अगर सामने सामने रख करके वेल्डिंग की जाती है तो उसको कहा जाता है बट वेल्ड। इसके बीच में वेल्डिंग को भर दिया जाता है, इसको कहते हैं बट वेल्ड। इस बट वेल्ड में अगर प्लेट को, अगर एक प्लेट को हमने भी शेप में रखा और दूसरे प्लेट को यहाँ पर हमने स्क्वायर एज ही रखा, तो इसको कहा जाता है सिंगल भी, ठीक है। अगर हमने इसको एक प्लेट को, सॉरी ये सामने सामने दोनों में भी रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है सिंगल भी। डबल भी की बात करेंगे तो हमारे पास दोनों प्लेट के ही, दोनों प्लेट में सामने से भी बना हुआ रहेगा, तो इसको कहा जाता है डबल भी। इस टाइप के कनेक्शन को, इस टाइप के वेल्डिंग को कहते हैं डबल भी। यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा, तो ऊपर से भी और डाउन से भी, तो दोनों साइड में अगर, तो इस तरह के वेल्डिंग जो बनते हैं इसको कहा जाता है डबल भी का कनेक्शन। तो अगर इस तरह का आपको वेल्डिंग दिखता है, इस तरह के वेल्डिंग अगर करनी है, यहाँ पर वेल्डिंग को फिल कर देना है, तो हो जाता है ये डबल भी। तो ये कहा जाता है कि कंप्लीट पेनेट्रेशन है, कहते हैं इसको कंप्लीट पेनेट्रेशन, इसको कहेंगे इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन। तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन जहाँ रहेगा, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन और कंप्लीट पेनेट्रेशन, कंप्लीट पेनेट्रेशन के केस में ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ही हो जाता है आपको, कौन सा, थ्रोट थिकनेस। जैसे अगर आपको इसका थिकनेस दिया जाता है 12 mm का, इसका 8 mm का, और इसमें पूछेगा कि आप बताइए यहाँ पर कि थ्रोट थिकनेस की वैल्यू क्या होगा, थ्रोट थिकनेस यहाँ पर कितना होगा, तो ये कौन सा केस है, सिंगल वी है, और सिंगल वी के लिए क्या होता है, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, ये कम्प्लीट नहीं है। तो इसके लिए करेंगे क्या, 5/8 5/8 times होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, इन दोनों में से जो कम है, तो 8 से 8 कट गया, तो मिनिमम यहाँ पर साइज ऑफ फील्ड हो जाएगा ये 5 mm का हो जाएगा, 5 mm का आपका हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ फील्ड के लिए। लेकिन जब कम्प्लीट पेनेट्रेशन की बात आएगी तब यहाँ पर थ्रोट थिकनेस जो होगा, थ्रोट थिकनेस का अलग है क्या, ये जो इसका अगर 12 है ये 8 है, तो इसमें जो आपका थिकनेस हुआ थिनर प्लेट का, थिकनेस कितना है 8 mm, तो इसके लिए साइज ऑफ फील्ड हो जाएगा कितना 8 mm का। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट होगा, वो होगा थिकनेस, हमारे पास वेल्ड साइज, सॉरी थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि थ्रोट थिकनेस होगा कितना। थ्रोट थिकनेस यहाँ पर वैल्यू डिपेंड करेगा कि पेनेट्रेशन कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का मतलब डबल वी, डबल यू, डबल जे या डबल बी वेल्ड का अगर आपका टाइप है कनेक्शन का, तो हो जाएगा कंप्लीट पेनेट्रेशन। अगर इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है, मतलब वहाँ पर सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे एंड सिंगल बी वेल्ड कनेक्शन होता है,
तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट। और इसके लिए जो थ्रोट थिकनेस निकालेंगे वो 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का हो जाता है। ध्यान देंगे एक चीज़ कि यहाँ पर थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है के इंटू एस का, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमें थ्रोट थिकनेस की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मिलता है थ्रोट थिकनेस का, यहाँ पर हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिए कि आपको एक गसेट प्लेट है, एक गसेट प्लेट से एक एंगल सेक्शन को जोड़ा गया है, ठीक है, एक एंगल सेक्शन को जोड़े हुए हैं। इस एंगल सेक्शन का थिकनेस है, इसका थिकनेस है आपको 6 mm का, और गसेट प्लेट का थिकनेस है आपको 10 mm का। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा वेल्डिंग होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फिलेट वेल्ड होगा, यहाँ पर बट वेल्ड नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा वेल्ड होगा, फिलेट वेल्ड होगा। फिलेट वेल्ड की और चाहे मेंशन भी है कि आपको फिलेट वेल्ड किया गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर निकालना होगा थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, 60 से 90 के बीच में, 60 से 90 के बीच में 0.7 हो जाएगा के की वैल्यू इंटू में एस। एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू बताइए, इन दोनों में से जो पहले कम है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो जो कम है 6 mm, तो 6 में से कितना जाएगा 1.5 घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपको 4.5 mm का, 4.5 mm यहाँ से आपको बच गया, ठीक है। और मिनिमम साइज ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पे, तो ये आ जाएगा 10 mm, अप टू 10 mm के लिए मिनिमम हो जाता है 3 mm का। तो इन दोनों में से जो आपको सुटेबल आपको लगे वो आप यहाँ से वैल्यू यूज कर सकते हैं एस की वैल्यू, और एस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये थ्रोट थिकनेस आएगा। लेकिन बट वेल्ड के केस में क्या होता है, बट वेल्ड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू मिलता है। अगर ये आपका कंप्लीट पेनेट्रेशन है, ये कौन सा केस है, ये इनकम्प्लीट का है। इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन में क्या होता है, 5/8 इंटू में जो दोनों प्लेट का थिकनेस कम होगा उसका, जो दोनों में से थिकनेस जिसका कम होगा उसमें 5/8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा या इसकी थ्रोट थिकनेस की वैल्यू। अगर हमारे पास में कंप्लीट पेनेट्रेशन है तो जो इसका मिनिमम प्लेट का थिकनेस होगा वही होगा थ्रोट थिकनेस की वैल्यू, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ या तो बट वेल्ड में या तो फिर फिलेट वेल्ड में। इस थ्रोट थिकनेस का यूज हम कहाँ करने वाले हैं, तो ये यूज करेंगे हम लोग इस पर अप्लाइड लोड, लोड जब कैलकुलेट करना होगा तो उसमें यहाँ पर थ्रोट थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, वहाँ पर इसका हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको एल इफेक्टिव दिया होगा, टीटी निकालना पड़ेगा, और एफयू की वैल्यू दिया होगा, नहीं तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।